यमुना तीरा विचारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद नितय हरि वो हरि वो हरि वो हरि वो प्रभुपाद की ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय विज्ञानदिविनादश ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोविश्वं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांस श्रीरूपां सागरजातं सहगणरघुनाथं तं तं सजीवम् सावदेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता शिवशाकान्तश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी ब्रह्मामि हरिभिः पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं
सरस्वतीव्यासं ततो जय मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्कृकी मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम् जानुलम्बितो भुजो कनकावदातो संकीर्तने कवितरो कमलायताक्षो विश्वंभरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत प्रियकरो करुणावतारो। हरे कृष्ण। तो कल हमने चैप्टर नंबर 5 मध्य लीला साक्षी गोपाल की लीला है, श्लोक संख्या 78 तक पढ़ा था। ठीक है, 78 तक पढ़ा था और 79 से बाद कल वहां पे बात अटकी थी कि बड़े विप्र ने, बड़े ब्राह्मण ने कह दिया कि अगर साक्षी गोपाल जी देंगे तो मेरी बेटी का ब्याह तुमसे मैं जरूर कर दूंगा। भरी सभा में उन्होंने कह दिया। तो अभी शोक संख्या 79 से हम शुरू करेंगे। बड़ा विप्र माने कृष्ण बड़ा दयावान अवश्य मोर वाक्य ते हो करिए प्रणाम। पुत्रे मने प्रतिमाना आसीबे साक्षी दीते हे बुद्धे दुई जन अहिला सम्माते। छोड़ विप्रबले पत्र कर लिखाना पुनाए न नहीं चल इस वचन। तबे सब लोक मेली पत्र लिखिल तुहारा सम्मति लय मध्यस्थ राखीला। तबे छोटा विप्र कहे सुना सर्वजाना विप्र सत्य वाक्य धर्म परायण। स्ववाक्य चाड़िते हिया नहीं कबुमान स्वजन मृत्यु भय कहे असत्य वचन। इहार पुण्य कृष्ण आनि साक्षी बोलैब तबे विप्रे सत्य प्रतिज्ञा राखीब। दूत ब्राह्मण ने सोचा क्योंकि भगवान कृष्ण अत्यंत दयालु है वे निश्चय ही मेरे कथन को प्रमाणित करने हेतु आएंगे। नास्तिक पुत्र ने सोचा गोपाल के लिए यह संभव नहीं है कि वे आकर साक्षी दे। ऐसा सोचकर पिता तथा पुत्र दोनों सहमत हो गए। तरुण विप्र ने अवसर पाकर कहा कृपया यह बात एक कागज पर स्पष्ट रूप से लिख लें जिससे फिर आप अपने वचनों को बदल न सकें। वहाँ पर एकत्र सारे लोगों ने यह बात कागज पर स्पष्ट रूप से अंकित करा दी और उन दोनों के हस्ताक्षर लेकर वे मध्यस्थ बन गए। तब तरुण ब्राह्मण ने कहा यहाँ पर एकत्र सारे लोग कृपया मेरी बात सुनेंगे। यह वृद्ध ब्राह्मण निसंदेह सत्यवादी है और धर्म का पालन करने वाला है। वे अपना वचन भंग करना नहीं चाहते थे किंतु इस भय से कि उसके संबंधी आत्महत्या न कर ले सत्य के पद से विचलित हो गए। तो तरुण ब्राह्मण को मालूम हो गया कि देखिए ब्राह्मण तो सत्यनिष्ठ है लेकिन भय के कारण ऐसा
बोल रहा है, अब ये लिख लीजिए कागज पे। तो उसके बेटे से भी हस्ताक्षर करवा दिया वो वृद्ध ब्राह्मण के, और वृद्ध ब्राह्मण ने भी कर दिया कि अब भगवान साक्षी देंगे तो मेरी बेटी तुमको ब्याह देंगे। मैं इस ब्राह्मण के पुण्य के बल पर भगवान को साक्षी के रूप में बुलाऊंगा, है ना। देखिए यहाँ पर वो वृद्ध ब्राह्मण के पुण्य के बल पर भगवान आए, इसके सत्य वचन की रक्षा करूंगा। इस ऐसा उन्होंने भरी सभा में ऐलान किया। तो फिर वहां पे क्या हुआ सभा में, सुनी नास्तिक लोक उपहास करे, बोले ईश्वर दयालु आसी ते पारे, कवि से छोटा विप्र केला वृंदावन दंडवत करी करे सब के ऐसे दृढ़ वचन सुनकर उस सभा में उपस्थित कुछ नास्तिक उसका उपहास मजाक करने लगे, किंतु किसी एक ने कहा अंततः ईश्वर दयालु है और चाहे तो आ सकते हैं। सभा समाप्त होने पर वह तरुण ब्राह्मण वृंदावन के लिए चल पड़ा। वहां पहुंचकर सर्वप्रथम उसने विग्रह को सादर दंडवत प्रणाम किया और फिर विस्तार से सारा वृत्तांत का सुनाया। उसने कहा हे प्रभु, आप ब्राह्मण संस्कृति के रक्षक हैं और आप अत्यंत दयावान भी हैं। आप हम दोनों ब्राह्मणों के धर्म की रक्षा करके अपनी परम दया प्रदर्शित करें। बोले दोनों ब्राह्मणों की लाज बचाइए, है ना। तो हे प्रभु, मैं उसकी कन्या को पत्नी रूप में पाकर सुखी बनने की बात नहीं सोच रहा। मेरे मन में ऐसा नहीं है कि आप आओगे साक्षी होंगे कन्या मिल जाएंगी, ये भाव नहीं है। मैं तो यह सोच रहा हूँ कि उस ब्राह्मण ने अपना वचन तोड़ा है,
वही बात मुझे अत्यधिक पीड़ा पहुंचा रही है। बोले ब्राह्मण का वचन असत्य हो रहा है। उस तनु ब्राह्मण ने आगे कहा भगवान से, हे प्रभु, आप अत्यंत कृपालु सर्वज्ञ है, कृपया इस मामले में साक्षी बने। जो व्यक्ति सही बातें जानते हुए भी साक्षी नहीं बनता वह पाप कर्म का भागी होता है। बोले भी आप साक्षी, कोई व्यक्ति को मालूम है सही क्या है और वो साक्षी नहीं बनता है। बोले मुझे क्या, मैं क्यों साक्षी बनूं? तो वो पाप कर्म का भागी उठाए। तो सामने से भगवान ने भी उत्तर दिया, कृष्ण ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मण, तुम अपने घर लौट जाओ और वहाँ सारे लोगों को बुलाकर एक सभा करो। उस सभा में तुम मेरा स्मरण मात्र करना। सभा बुलाओ, मेरा स्मरण करना। अच्छा, फिर क्या होगा कि मैं वहाँ निश्चित रूप से प्रकट होऊंगा और उस समय मैं दिए हुए वचन का साक्षी बनकर तुम दोनों के सम्मान की रक्षा करूँगा। जाओ, मेरा स्मरण करना, मैं प्रकट हो जाऊंगा और साक्षी दे दूंगा। हो गया काम। लेकिन ब्राह्मण ने कहा आगे, तरुण ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे प्रभु, भले ही आप चतुर्भुज विष्णु रूप में क्यों न प्रकट हो, तब भी उन लोगों में से कोई भी आपके वाक्य पर विश्वास नहीं करेगा। क्यों? किंतु यदि आप इसी गोपाल रूप में वहां चले और अपने श्रीमुख से कहें, तभी आपकी साक्षी सभी लोगों द्वारा सुनी जाएंगे। वो लोग बोलेंगे तो कोई दूसरा व्यक्ति आ गया, गोपाल जी साक्षी थे ना, तो चतुर्भुज नारायण आ गए, वही साक्षी नहीं है। इनके सामने तो वचन दिया ही नहीं, कोई चालाकी कर सकता है ऐसा? तो आप क्या करो, इसी स्वरूप में चलो मेरे साथ। तो भगवान गए, अरे क्या बात कर रहे हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, मैंने आज तक किसी मूर्ति को, विग्रह को एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलकर जाते नहीं सुना। तो ब्राह्मण ने उत्तर दिया, यह सत्य है, किंतु यह कैसे संभव हो रहा है? क्या आप विग्रह होकर भी मुझसे बातें कर रहे हैं? तो बोले कि अगर आप बात कर रहे हैं तो आप चल भी सकते हैं, है ना। तो भगवान विग्रह बातें भी नहीं करते, चलते नहीं है तो फिर बातें भी नहीं करते, लेकिन आप तो बात कर रहे हैं तो बिना आप चल भी सकते हो। लेकिन ना विश्वास था। फिर आगे कहा, प्रभु आप मूर्ति नहीं हो। बहुत सुंदर श्लोक है, प्रभु आप मूर्ति नहीं हो, आप तो साक्षात महाराज नंद के पुत्र हो। तो जो भगवान की सेवा करते हैं मूर्ति नहीं है, ये साक्षात क्या है, भगवान है। प्रतिमा न तुम्हें साक्षात बजेंद्र नंदन, विप्र लागी कर तुम्हें अकार्य कारण। आप उस वृद्ध ब्राह्मण के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं जो आपने अभी तक न किया हो। श्री गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रिय ब्राह्मण, मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। ठीक है, एग्री हो गए भगवान, तुम आगे आगे चलना, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा और इस तरह तुम्हारे साथ मैं आऊंगा। लेकिन भगवान ने कंडीशन रखा। क्या क्या कंडीशन रखा? उलड़िया मातुमी न करी हदसने, आमागे देखते आम रही बसिस्ता। Yeah.
भांति चलीला ब्रह्मण तर पाछे पाछे गोपाल नदी नागम प्रयत्न मत करना, अन्यथा तुम जो ही मेरी ओर देखोगे मैं वहीं रुक जाऊंगा, उसी स्थान पर मैं स्थिर हो जाऊंगा, वहां से आगे नहीं चलूंगा। अच्छा, तो कैसे मालूम पड़े कि आप पीछे आ रहे हो? भगवान ने कहा तुम मेरे नुपुर की ध्वनि से जानोगे कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा, मेरे पायल की नुपुर की आवाज आएगी, तो समझना मैं तुम्हारे पीछे पीछे। प्रतिदिन मुझे 1 किलो चावल पका कर अर्पित करना, मैं उस चावल को खाऊंगा और तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा। भगवान को भूख भी तो लगेगी, इतना चलेंगे तो 1-2 किलो चावल तो चाहिए। अगले दिन ब्राह्मण ने गोपाल से आज्ञा मांगी और वह अपने देश के लिए चल पड़ा, गोपाल भी उसके पीछे पीछे चल पड़े। जब गोपाल उस तरुण ब्राह्मण के पीछे चल रहे थे तो उनके नुपुरों की झुनझुन ध्वनि सुनाई पड़ने लगी। वह ब्राह्मण अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उस उत्तप चावल गोपाल के भोग के लिए पकाया। इस प्रकार वह तरुण चलता रहा जब तक कि वह अपने देश में नहीं पहुंच गया। जब वह अपने गांव के निकट पहुंचा तो वह इस प्रकार सोचने लगा। कितने दिन तक चला था वो? 100 दिन। कितने दिन चले थे भगवान? 100 दिन चले। तो 100 दिन तक वो चलता ही रहा, पीछे नुपुर की आवाज आई, मुड़ के नहीं देखा। लेकिन जब गांव नजदीक आया तो उसके मन में एक विचार आया, अब मैं अपने गांव पहुंच चुका हूं और अपने घर जाकर सभी लोग को बतलाऊंगा कि साक्षी आ गया है, मैं सबको बता दूंगा कि साक्षी आ गया है। उस ब्राह्मण ने सोचा कि यदि गांव वाले गोपाल विग्रह का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं करेंगे तो उन्हें विश्वास नहीं होगा कि गोपाल आ गए हैं। उसे सोचा किंतु यदि गोपाल यहीं पर ही रह जाए तो भी डर की कोई बात नहीं है, मैं मुड़ के देख लेता हूँ, अगर रह जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, गांव तक तो आ ही गए, लेट मी चेक, ऐसा हो के मैं सबको बुला लूँ और पीछे गोपाल हो ही नहीं। हाँ, यह सोचकर वह देखने के लिए पीछे मुड़ा और उसने देखा कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोपाल मुस्काते हुए वहाँ खड़े थे, भगवान वहीं पे हंस रहे थे। फिर ब्राह्मण ने ब्राह्मण से कहा,
ब्राह्मण कहे तुम्हें यानी जगन इथाय रहिव नयावंत पर कवे से विप्राय नगर कहित सुनिया सकल लोक चमत्कार सकल लोक साक्षी देखी बारे गोपाल देखिया लोक दंडवत करे गोपाल सौंदर्य देखी लोके आनंदित प्रतिमा चलिया इला सुनिया विस्मित बड़ विप्र आनंदित गोपाल रागे पड़ दंडवत सकल लोके रागे गोपाल साक्षी दिल बड़ विप्र छोट विप्रे कन्या दान कैला तबे से दुई विप्रे कैला ईश्वर तुम्हें दुई जन्मे जन्मे अमार किंकर। तब उस ब्राह्मण ने अपने गांव जाकर सबको गोपाल के आगमन की जानकारी दी। यह सुनकर सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। गांव के सारे लोग साक्षी गोपाल को देखने के लिए आए और जब उन्होंने सचमुच भगवान को खड़े देखे तो सबने उनसे सादर दंडवत प्रणाम किया। लोग गोपाल की सुंदरता देखकर अत्यधिक प्रसन्न थे और जब वह लोगों ने यह सुना कि वे सचमुच चलकर आए हैं तो उन सब के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। तब वह वृद्ध ब्राह्मण भी परम आनंद होकर गोपाल के सन्मुख आया और तुरंत ही उसने गोपाल जी को दंडवत प्रणाम किया। इस तरह गांव भर के निवासी सब लोग आ गए। गोपाल ने इसके साक्षी बन गए कि तरुण ब्राह्मण को वचन दिया था। फिर गोपाल जी ने सबके सामने साक्षी दे दिए कि इस वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी कन्या दान देने का वचन इसको दिया था। तो फिर विवाह संपन्न हो जाने के बाद फिर दे दिया वृद्ध ब्राह्मण ने। फिर विवाह संपन्न होने के बाद भगवान ने उन दोनों ब्राह्मणों को बतलाया। क्या बतलाया? भगवान के सामने ही विवाह संपन्न हो गया। तो भगवान स्वयं बोले, क्या बोले? तुम्ही दुई जन्मे जन्मे आमार किंकर, तुम दोनों ब्राह्मण जन्म जन्मांतर से मेरे सनातन दास हो। दुहार सत्य तुष्ट हैला दुहे मागवर दुई विप्रवर मांगे आनंद पर यदि वर दिवे तवे दाए ईशाने किंकरे दया तब स्वर्व लोके जाने गोपाल रहिला दुहे करे न सेवन देखी ते आइला सब जैसे लोग जान से देशे राजा आइला आश्चर्य सुनिया परम संतोष आइला गोपाल देखिया। भगवान ने कहा मैं तुम दोनों की सच्चाई से अति प्रसन्न हुआ हूँ, अब तुम वर मांग सकते हो। तो दोनों ब्राह्मण ने अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक वर मांगा कि यदि वर देना चाहते हो
कृपा करके ऐसा वर दो कि आप यहीं पे ही रुक जाओ और वृंदावन वापस मत जाओ। क्यों? ताकि पूरा संसार देख सके क्या कि आप अपने सेवकों पर कितने कृपालु हैं, है ना। ये कथा से हम समझ सकते हैं कि भगवान उनके दासों के ऊपर कितने कृपालु है कि खुद चल के साक्षी दिया भगवान ने। तो बोले कि आप यहाँ ठहर जाओगे तो आने वाले समय में आपकी महिमा आपका गुणगान होगा। क्या है कि भगवान बहुत बड़े भक्त वत्सल हैं, भगवान अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इस कथा से आपकी महिमा बढ़ती जाएगी और लोगों को भी आपके अंदर जो है भक्तों का भी विश्वास बढ़ेगा, दृढ़ता बढ़ेगी, वो भी मानेंगे कि भाई साक्षात ये जो क्या है प्रतिमा नहीं तुम ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, कि आप केवल मूर्ति के रूप में नहीं हो, आप साक्षात भगवान हो। और भगवान मूर्ति नहीं एक तो है, दूसरा आप भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हो, आगे साक्षी भी दे सकते हो। तो ये कथा से काफ़ी क्या होगा, प्रचार होगा, लोग जान पाएंगे। तो कितना सुंदर वर मांगा उन्होंने, आने वाले समय में लोग भगवान की महिमा भी बढ़े, मूर्ति की महिमा बढ़े, लोग जान पाए कि मूर्ति सेवा की कितनी महत्व है, भगवान के जो भक्त होते हैं उनकी स्वयं भगवान रक्षा करते हैं। कई सारी चीज़ें इससे उदाहरण के रूप में आपकी कथा लोग सुना सकते हैं। भगवान गोपाल वही रहने लगे और दोनों ब्राह्मण सेवा में लग गए। इस घटना को सुनकर विभिन्न देश से अनेक लोग गोपाल का दर्शन करने आते। अंत में उस देश के राजा ने यह आश्चर्य कथा सुनी तो वह भी दर्शन करने आया, अत्यंत संतुष्ट हुआ राजा भी। फिर क्या किया राजा ने, मंदिर करिया राजा सेवा चालाईला, साक्षी गोपाल बलि तार नाम ख्याति हैला, मात विद्यानगर साक्षी गोपाल सेवा अंगीकार करि आछे न चिरकाल। श्रोताम देव नाम से देश नील करिया संग्राम, से राजा जी नील हर सिंहासन माणिक सिंहासन। पुरुषोत्तम देव से बड़ा वाक्य गोपाल चरण मांगे चल मोर राज, तार भक्ति वसे गोपाल तारे आज्ञा दिल, गोपाल लैया से कटके आईल। जगन्नाथ अनिदिन माणिक्य सिंहासन, कटके गोपाल सेवा करिल सपन, तार महिषी अइला गोपाल दर्शने भक्ति करी बहुअलन कर कैला समर्पण, तार नसते बहु मूल्य मुक्ता दीते चाइल मने ते चिंताया। उस राजा ने एक सुंदर मंदिर बनवाया और नियमित सेवा प्रारंभ करवाई। गोपाल साक्षी गोपाल के नाम से विख्यात हो गए। इस प्रकार साक्षी गोपाल ने विद्यानगर में रहकर दीर्घकाल तक
सेवा स्वीकार की। बाद में युद्ध हुआ जिसमें उड़ीसा के राजा पुरुषोत्तम देव ने इस देश को जीत लिया, जो जगन्नाथपुरी के राजा ने इसको क्या किया, जीत लिया। तो उस राजा ने विद्यानगर के राजा को हरा दिया और माणिक्य सिंहासन नामक सिंहासन को अपने अधिकार में कर लिया, जिसमें अनेक रत्न जड़े हुए थे। उस राजा का नाम पुरुषोत्तम देव था, वह महान भक्त था और आर्य सभ्यता में अग्रसर था। उसने गोपाल के चरण कमलों पर याचना की, कृपा करके आप मेरे राज्य में चले। जब राजा ने गोपाल से अपने राज्य में चलने की प्रार्थना की, तो गोपाल ने उसकी भक्ति के वश में होकर उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इस तरह गोपाल विग्रह को वह राजा अपने साथ लेकर कटक लौट गया। तो फिर एक बार चले गोपाल वृंदावन से विद्यानगर चले, अभी भक्त के लिए और फिर भक्त के लिए विद्यानगर से कटक चले। माई के सिंहासन को लेकर राजा उसे जगन्नाथपुरी ले आया। उसने उसे जगन्नाथ भगवान को समर्पित कर दिया। उस बीच उसने कटक में गोपाल की नियमित पूजा भी स्थापित की। देखिए, जो जीत के आया था सिंहासन, तो ऐसा नहीं अपने लिए रख लिया। उसको मालूम था कि मैं पुरुषोत्तम क्षेत्र का राजा हूँ, लेकिन सही राजा तो कौन है, जगन्नाथ जी हैं, तो मैं तो सेवक हूँ उनका। तो उन्होंने समर्पण कर दिया वो रत्न का सिंहासन जगन्नाथ जी को, भगवान को, है ना। हमें भी हमारी कमाई भगवान को समर्पण कर देना चाहिए। जब गोपाल विग्रह की स्थापना कटक में हो गई, तो पुरुषोत्तम देव की रानी उनका दर्शन करने गई। उसने अत्यधिक भक्ति के साथ अनेक प्रकार के आभूषण भेंट किए। रानी ने अपनी नाक में अति मूल्यवान मोती पहन रखा था, जिसे वह गोपाल को भेंट करना चाह रही थी। तब वह इस प्रकार सोचने लगी, क्या सोचने लगी, ठाकुरे राना साथ यदि चित्र ठाकी था तबे ही दासी मुक्ता नासाय परैत एकजिन भी नमस्कारी केला स्वभावने रात्रि से से गोपाल दारे कहे न स्वपाने बाल्य काले माता मोर नासा छिद्र करी भक्ति वाला था, उतनी ही रानी भी भक्ति वाली थी। पुरुषोत्तम राजा की रानी भगवान के दर्शन करते सोचने लगी कि यदि इस मूर्ति के अंदर इस विग्रह के नाक में छेद होता तो मैं अपना मोती उन्हें पहना सकती थी, अति मूल्यवान मेरा मोती जो है भगवान को दे सकती थी। यह विचार करके रानी ने गोपाल को नमस्कार किया और महल लौट आई। और रात को उसने सपना देखा और सपने में गोपाल जी प्रकट हुए और कहने लगे, गोपाल जी, कि बचपन में मेरी माता ने मेरी नाक में छेद करके उसमें बड़े यत्न से एक मोती पहनाया था, वह छेद अब भी है। चाहो तो तुम इस छेद का प्रयोग उस मोती को पहनाने के लिए कर सकती हो जिसे तुम मुझे देना चाहती थी। तो दूसरे दिन सपना देखने के बाद रानी राजा को लेके मोती लेकर मंदिर में गए और क्या देखा, पराई लमुका नासा छिद्र देखिया मा महोत्सव कैला
देखे न तू ही एक मूर्ति तू है कवन तू है प्रकांड शरीर तू है रक्तांबर तू है स्वभाव गंभीर। विग्रह की नाक में राजा रानी ने छिद्र देखकर वह मोती उनको पहना दिया और वो अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्होंने विशाल उत्सव का आयोजन किया। तभी से गोपाल कटक नगर में विराजमान हैं और तभी से वे साक्षी गोपाल नाम से विख्यात हैं। इस तरह महाप्रभु ने गोपाल की लीलाओं को सुना, इससे वे उनके भक्त अत्यंत संतुष्ट हुए। जब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु से मुख से सुना था ये कथा, जब महाप्रभु गोपाल विग्रह के समक्ष बैठे हुए थे तो सारे भक्तों ने उन्हें तथा विग्रह को एक रूप देखा। दोनों एक ही वर्ण के थे और एक जैसे विराट शरीर वाले थे। दोनों ने केसरिया वस्त्र पहन रखा था और दोनों ही बड़े गंभीर थे। महातेजो माया दू है कमाल भक्तों ने देखा कि महाप्रभु और गोपाल दोनों ही दीप्तिमान तेज से युक्त थे। दोनों के नेत्र कमल जैसे थे, दोनों ही भाव में मग्न थे, उनके मुख मुंडल पूर्ण चंद्रमा जैसे थे। जब नित्यानंद ने महाप्रभु तथा गोपाल विग्रह दोनों को इस तरह देखा तो वे भक्तों से परिहास करने लगे तो सबके सब मुस्कुरा रहे थे। इस तरह महाप्रभु ने मंदिर में वह रात बड़े ही आनंद से बिताए और प्रातःकालीन मंगला आरती देखने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा आरम्भ की। श्री वृंदावन दास ठाकुर ने अपनी पुस्तक चैतन्य भागवत में महाप्रभु द्वारा भुवनेश्वर जाते समय देखे गए स्थानों का विस्तार से वर्णन किया है। बहुत विस्तार वर्णन है भुवनेश्वर का। भुवनेश्वर की भी कथा बहुत विस्तार से वृंदावन दास ठाकुर ने बताई है। जब महाप्रभु कमलपुर पहुँचे तो उन्होंने भार्गी नदी के स्नान किया और स्नानार्थ जाते समय वे अपना संन्यास दंड नित्यानंद प्रभु को देते गए कि मैं स्नान करने जा रहा हूँ, मेरा दंड पकड़ के रखता। जब महाप्रभु कपोतेश्वर नामक शिव मंदिर में गए तब नित्यानंद प्रभु ने अपने पास रखे उनके संन्यास दंड के तीन खंड करके भार्गी नदी में फेंक दिए, रखा भी नहीं। हाँ, तीन संन्यास दंड तोड़ जाना, क्योंकि महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु को ऐसा था, अरे ये दंड को देख के ऐसे बोलते थे नित्यानंद प्रभु, क्या बोलते थे, अरे दंड हाँ तुझको मेरे स्वामी जो है हाँ जो पूरे संसार को धारण करते हैं, हाँ पूरा संसार
मेरे स्वामी महाप्रभु के ऊपर निर्भर है और दंड तुझे ले लेके घूमना पड़ता है मेरे स्वामी को, है ना। तो गुस्सा हो गए दंड के ऊपर, है ना, तुम बोझा हो, है ना, तो तोड़ दिया, तोड़ के डंडे को फेंक दिए। तो बाद में महाप्रभु बहुत नाराज हो गए नित्यानंद प्रभु से और गुस्से में वो जगन्नाथपुरी अकेले ही चले गए, वहाँ से किसी को लिए बिना ही जगन्नाथ मंदिर अकेले ही चले गए महाप्रभु। बोले कि अब तुम लोगों को लेके कि नित्यानंद तुम मेरा संन्यास का धर्म का पालन करने देते नहीं हो। बाद में यह नदी दंड भांगा नदी कहलाने लगी। पहले नाम था भार्गी नदी, उसके बाद वहीं पे डंडा तोड़ा इसलिए क्या हो गया नाम उसका, दंड भागा नदी नाम हो गया। इसका भी बहुत डिटेल में वर्णन है। फिर आगे जब महाप्रभु चले गए भावेश होके तो फिर क्या हुआ, जगन्नाथ जी के मंदिर में गए। जगन्नाथ देउर देखी आवेश जगन्नाथ जी के मंदिर को देखकर महाप्रभु भावाविष्ट हो गए
मंदिर को दंडवत प्रणाम करके बाद प्रेमावेश में नृत्य करने लगे। महाप्रभु के साथ साथ सारे भक्त भी भाव विभिष्ट हो गए। इस तरह भगवत प्रेम में मग्न होकर वे मुख्य मार्ग पर जाते हुए नाचने तथा गाने लगे। महाप्रभु हंसते रोते नाचते भाव में आकर हुकार कर रहे थे। मंदिर केवल 6 मील की दूरी पर था, किंतु उन्हें यह दूरी हजारों मील लगी। युगायतम सुन्यायतम जगत सर्वम, वैसी बात। इस तरह चलते चलते महाप्रभु 18 नाला, 18 नाला इसलिए नाम पड़ा, वहाँ 18 पुत्रों की बलि दिया था राजा ने, क्योंकि वहाँ बंद नहीं बन रहा था, पुल नहीं बन रहा था, नदी आके तोड़ देते थे, तो राजा ने अपने 18 पुत्रों की बलि दी थी वहाँ पे। उसके बाद ये 18 नालक नामक वो बंद बना था। वहाँ आकर उन्होंने नित्यानंद प्रभु से बातें करते हुए अपनी बाह्य चेतना व्यक्त की और महाप्रभु ने कहा, मेरा दंड लौटा दो, मेरा संन्यास दंड। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा कि आपके दंड के तो 3 खंड हो गए, अब दंड बचा नहीं। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा, जब आप भावावेश में गिरे तो मैंने आपको पकड़ा, किंतु हम दोनों ही उस दंड पर गिर गए। इस तरह वह दंड हम लोगों का भार से टूट गया। मैं नहीं जानता उसके टुकड़े कहाँ गए, अब जब ने उन्होंने जान बुझ के तोड़ के नदी में फेंक दिए, लेकिन आपको संभालने गए तो हम गिर गए, वो डंडा टूट गया और टुकड़े कहाँ गए मालूम नहीं। आपका दंड निश्चित रूप से मेरे अपराध के कारण टूटा है, ठीक है, आपको जो उचित तो मुझे दंड कर दो। मालूम है महाप्रभु कुछ दंड करने वाले हैं, नित्यानंद प्रभु बलराम जी को कौन दंड कर सकता है। तो बोले ठीक है, जो इच्छा हो दंड दे दो। जिस तरह से उनका दंड टूटा था उसकी कहानी सुनकर महाप्रभु ने थोड़ा दुख प्रकट किया, लेकिन कुछ क्रोध में आकर वे इस प्रकार बोले, आप लोगों ने मुझे नीलाचल लाकर उपकार किया है, किंतु वह दंड मेरा एकमात्र धन था जिसे आप लोग संभाल कर नहीं रख पाए। अतएव आप सारे लोग या तो मुझसे पहले या मेरे बाद भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने जाए, मैं आप लोगों के साथ नहीं जाऊँगा। आप जाओ पहले या मैं जाता हूँ साथ में। तो मुकुंद बोले, नहीं नहीं महाप्रभु, आप आगे आगे चलो, हम आपके पीछे पीछे चलते हैं। तब महाप्रभु ने अन्य सभी भक्तों के आगे आगे शीघ्रता से चलने लगे और चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के वास्तविक उद्देश्य को नहीं, कोई भी नहीं समझ पाया ये दंड की कथा। एक्चुअली महाप्रभु भी प्रसन्न नहीं हुए थे, वो दंड को धारण करना नहीं चाहते थे। इसका पूरा डिटेल में वर्णन चैतन्य भागवत में दिया है। भक्तगण यही नहीं समझ पाए कि नित्यानंद प्रभु ने दंड क्यों तोड़ा, महाप्रभु ने उन्हें ऐसा क्यों करने दिया। ऐसा करने देने के बाद अब महाप्रभु क्रोध क्यों हो गए। दंड भंग लीला अत्यंत गंभीर है, इसे वही समझ सकता है जिसकी दोनों प्रभुओं के चरण कमलों पर दृढ़ भक्ति हो। तो आप बाद में पढ़ सकते हो उसको डिटेल में। ब्राह्मणों पर कृपा पर दोष लोगे, फिर संपत्ति करते हैं। ब्राह्मणों पर कृपालु रहने वाले भगवान गोपाल की महिमा अपार है। साक्षी गोपाल की यह कथा नित्यानंद प्रभु द्वारा सुनाई गई और इसके श्रोता थे श्री चैतन्य महाप्रभु। ब्रह्मण्य देव गोपाल महिमा धन नित्यानंद बताया श्रोता श्री चैतन्य श्रद्धा आख्यान को सुनता है, इस कथा को जो सुनता है श्रद्धा पूर्वक और प्रेम पूर्वक, उसे शीघ्र ही गोपाल के चरण कमल प्राप्त होते हैं। श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरणों की वंदना करते हुए तथा उनकी कृपा की सदैव कामना करते हुए मैं कृष्णदास
उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। श्री रूप रघुनाथ पद स्वामी की। फिर हम अब नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर 6 जो इस बुक का लास्ट चैप्टर है, सार्वभौम भट्टाचार्य की मुक्ति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 राम।